السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويذر به آخرين أما بعد اللهم ارزقني علما نافئا واسعا عميقا اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك

और अल्लाह के कलाम क़ुरान मजीद को भी मानता भी है उसको अल्लाह ताला का कलाम भी मानता है और उसकी तज़ीम भी करता है लेकिन एक अफसोसनाक बात ये है कि हमने जिस तरह से अल्लाह रबालमीन की कदर नहीं की जैसा कि क़ुरान में आता है मा क़दर अल्लाह हक कदर ही इसी तरह हमने अल्लाह के नाजिल करदा कुरान को अल्लाह के नाजिल करदा कलाम को भी हमने पसे पश्त डाल दिया और उसे अलमारियों और शेल्फ़ों की ज़ीनत बना दिया हमने कुरान को जिस मकसद के लिए कुरान मजीद नाजिल किया गया था उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लौअल हाज़ल क़ुरान अ जब अल्ला फरमाते हैं कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते कि पहाड़ इसकी खशियत से रेजा रेजा हो जाते और अल्लाह तुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं और अल्लाह रबालमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्ना अनजल्ला क़ुर अरबीअम तिल कि हमने क़ुरान मजीद को इसलिए लिए नाज़िल किया है ताकि उसको समझा जाए इतना सा मुख्तर तारफ़ काफ़ी है इन श्हज़ीज़ तारफ़ के ऊपर एक और जो है एक डिटेल लेक्चर भी आएगा लेकिन यहाँ पर आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं तारफ के ज़िमन में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन श्लाज़ीज़ हम क़ुरान मजीद इस सूरत से जो है इस तरह से आगाज़ करेंगे कुरान मजीद का बिस्मिल्लाह से जो कि हर सूरत का की पहली आयत है कि इन शज़ीज़ हम कुरान मजीद को जब समझेंगे उसका तर्जुमा करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैंतालीस आयत को पढ़ने के बाद इन हम कुरान मजीद को समझ सकेंगे क्योंकि कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें से अठानवे फ़ीसद नाइन्टी एट परसेंट जो अल्फाज हैं वो उर्दू के अल्फाज हैं तो हम जब मदारस के अंदर हमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है रिवायती अंदाज़ में तो वो गरदा पढ़ा के इस तरह से समझाया जाता है गोया कि हमने कोई अरब बनना है या अरबों के अंदर जाके के बोल चाल करनी है कुरान मजीद को अल्लाह ताला फरमाते हैं वलअद यसर नलकर फहल में मुद्दिर कि हमने कुरान को आसान बना दिया है समझने वालों के लिए नसीहत हासिल करने वालों के लिए है कोई समझने वाला तो आइए हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए बसमिल्ल रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो पहला जो वर्ड है वो है बिस्म अब हम इस बिस्म को हम इसको इसकी पार्टीशन करते हैं अलग अलग करते हैं तो हमारे पास दो अल्फाज बचते हैं यानी एक हर्फ बा बचता है और दूसरा सीन और मीम बचता है यही अल्फाज हैं ना हमारे पास अब बस्म से बे को अलग करने से बाकी कलमा जो है हमारे पास सीन और मीम रह गया सिम सीन के ऊपर चूंकि जज्म है इसको जज्म को हम सुकून भी कहते हैं तो अरबी का ये असूल है कि जब पहला वर्ड उसके अंदर अगर जज्म हो तो उससे पहले अल्फ़ लगा दिया जाता है ये हम आपको एग्ज़म्पल के ज़रिए से बता देते हैं मिसाल से बता देते हैं अगर किसी कलमे के आगाज़ में पहला हर्फ सान हो तो वो बोला नहीं जाता पहले साकििन हर्फ को तलफ देने के लिए शुरू में अलिफ का इजाफ़ा किया जाता है आइए मिसाल से देखते हैं कि किस तरह से अलिफ़ का इजाफा किया जाता है देखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब हम यहाँ पर मोहम्मद नहीं पढ़ेंगे तो फिर बिन अब्दुल्ला रह जाता है लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने बिन अब्दुल्ला कहा हो सब लोग क्या कहते हैं इब्न अब्दुल्ला क्योंकि अलिफ़ का इजाफा कर दिया जाता है क्योंकि बा साकिन है तो साकिन को हम जो है आवाज़ देने के लिए हम अलिफ़ का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि ईसा बिन मरियम अब ईसा बिन मरियम इकट्ठे तो लिखा जाता है लेकिन जब हम उसको उर्दू के अंदर भी जब हम अलग लिखते हैं तो उसको बिन मरियम नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं इबन मरियाम इसी तरह के बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो के जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि जब साकन हरूफ हूँ तो उनको आवाज़ देने के लिए हम अलिफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो आइए हम अब अब बिसमिल्ल के ऊपर जाते हैं हमारे पास दो अल्फाज हो गए हैं एक तो हमारे पास बा था और सीन मीम था अब सीन वीम को तलफ़ देने के लिए हमने अलिफ़ का इस्तेमाल किया तो ये हमारे पास दो वर्ड बन गए बा और यानी बे और इसम जिसे उर्दू में हम बे कहते हैं बे और इसम इसम उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है इसे भी हम जानते हैं इसका मतलब नाम होता है और बे जो बे का वर्ड है वो भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जैसा कि बा जमात इसका क्या मतलब है जमात के साथ ब अहलो अयाल अहलो अयाल के साथ तो यहाँ पर हम बा का मतलब क्या करते हैं साथ करते हैं या के साथ करते हैं जमात के साथ अहलोयाल के साथ तो यहाँ पर भी सिंपल हमें यही माना इस्तेमाल करना है और ये इसम का वर्ड भी हम कहते हैं ना आपका इसमें गिरामी क्या है तो ये इसम भी हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों लफ्ज़ जब हम साथ मिलाते हैं बे इसम यानी बा और इसम को साथ मिलाते हैं तो क्या मतलब बनता है इसका इसम का मतलब नाम है और यानी नाम के साथ इसका मुकम्मल तर्जमा बनता है तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा होगा लेकिन शायद इस तरह से बहुत कम ही किसी ने आपको पढ़ाया होगा ये इसका तर्जमा आ गया नाम के साथ तो यहाँ पर कलमात बे और इसम दोनों उर्दू के अंदर मुस्तामिल हैं उर्दू के अल्फाज हैं तो यहाँ पर हमारा पूरा जो बेस्म है ये पूरा का पूरा वर्ड उर्दू के अंदर है दूसरा वर्ड है अल्लाह अल्लाह के बारे में हम उर्दू के अंदर भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें इसका इसकी समझ नहीं है पता नहीं है कि अल्लाह किस तरह से हम बोलते हैं असल में आप पहले ये तसवुर रखिए अपने जहन के अंदर कि खाना कहबा के अंदर 360 बुत मौजूद हैं उन बुतों को कुफार इलाह कहते हैं इलाह का मतलब मबूद होता है हम सब जानते हैं जैसा कि तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब जिस तरह से आप ये कोर्स पढ़ेंगे इनशा अज़ीज़ तो आपको आपके ऊपर बहुत से इनकशाफ होंगे कि जब मश्रक से कहा गया था कि व इनकुन तुम फी रई बे ममा नज़्ल नाला अब देना कि अगर आपको शक है उस चीज़ में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इस जैसा कलाम लेके आइए वो नहीं लेके आ सके थे उन्होंने मतलब जंगें करना जो है वो तो मोल ले लिया था लेकिन वो कलाम लेने की जरूरत नहीं कर सके थे ये आपके सामने खुलेगा कि अल्लाह के पैगम्बर सल्ला वसम ने कोई और इलाह नहीं नाम रखा उसका जिस इलाह का वो तारफ़ करवाने जा रहे थे अगर इलाह होता तो इसका मतलब 360 पहले थे 361 सौ आ जाता अरबी के अंदर एक असूल है वो हम पढ़ते हैं कि किस तरह जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसमें नकरा को इसमें मारफा बनाने के लिए नकररा और मारफा क्या चीज़ें भाई नकरा कहते हैं आम इसम को वैसे तो उर्दू के अल्फाज हैं लेकिन मैं आप समझाने के लिए और मारफा कहते हैं मरूफ इसम को वो नाम जो मरूफ हो तो अंग्रेजी के अंदर हम मरूफ नाम की तरफ जो है इशारा करने के लिए दी का इस्तेमाल करते हैं और अरबी ज़बान के अंदर किसी इसम को मारफा बनाने के लिए क्या करते हैं हम अलिफ़ और लाम का इजाफा करते हैं और यही कुछ इलाह के साथ हुआ है ये देखिए अलिफ लाम लगाकर जो इलाह था वो अल्लाह हो गया यहाँ पर दो लाम हैं उस उनको इकट्ठा करने के लिए शद का इस्तेमाल किया गया और खड़ी जबर लगा कर ये अल्लाह का वर्ड बना है शायद आपको आज पहली मरतबा ये पता चला हो कि अल्लाह का लफ्ज़ कैसे बना है तो आइए बिस्मिल्लाह के अंदर जो है ये चीज़ें इतना बड़ी कयामत मज़मर है बिस्मिल्लाह का मतलब साथ इस्म नाम अल्लाह 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 के नाम के साथ ये हम उर्दू में बा मुहावरा तर्जमा करते हैं आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला लफ्स क्या है वो है रहमान अर्रहमान और रहमान जो वर्ड है इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या 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 चीज़ें मिली हैं एक अलिफ लाम है और दूसरा रहमान है जो रहमान का लफ्ज़ है इसे हम वो खड़ी ज़बर के साथ भी लिखते हैं तो वो तो उर्दू के अंदर मुश्तमिल है लेकिन ये जो अलिफ लाम है ये हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं और जहाँ पर भी अलिफ लाम लगा होगा वो मारफा के लिए इस्तेमाल होगा किसी भी लफ्ज़ से पहले अलिफ लाम लगा होगा तो वो किसके लिए होगा लफ्ज़ को मारफा बनाने के लिए यही अल्लाह ताला के कलाम की ख़ासियत है कि बिस्मिल्लाह अगर यहाँ पर रहमान आ जाता बिस्मिल्लाहिर रहमान तब भी जो है ये कोई आम कलाम होता या किसी आम रहम की बात हो रही होती लेकिन जब अलिफ लाम लगाए तो यहाँ से अर रहमान उसी अल्लाह की बात हो रही है जो ख़ास है अर रहमान आगे हम रहमान का मतलब देखते हैं रहमान रहम से निकला हुआ है अब अरबी के अंदर एक ख़ूबसूरती है जो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे तमाम जबानों के अंदर कोई भी वर्ड इस्तेमाल होता है उसकी एक अपनी मौसीकीत होती है एक गनाइत होती है एक जो है अल्फाज जो है उनकी ख़ूबसूरती होती है लेकिन अरबी के अंदर जब वज़न किसी लफ्ज़ का तब्दील होता है तो उसकी जिस तरह से उसकी खूबसूरती गनाइत में तब्दीली होती है इसी तरह से उसका मतलब भी तब्दील हो जाता है अब यहां पर आपके सामने जैसे मिसाल है रहमा की इस वजन के ऊपर जितने भी वर्ड आएंगे आपको यह जरूरत नहीं है कुछ भी याद करने की इस कोर्स के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा इंशाला यहां पर रहमा अलेमा, फाइला जारेबा जितने भी अल्फाज आएंगे रहमा के वजन के ऊपर उन सब का एक ही मतलब होगा आप यहाँ पर देखिएगा आगे हम आपको बताते हैं जैसे ये ये है फ़ाओला इसके अंदर ये ज़बर जेर लग रहे हैं तो उसने काम किया फ़ाएला इसका क्या मतलब है ये अब जो है बुनियाद है जिसे हम कहते हैं जड़ है फ़ाइला किसी भी लफ्ज़ की यही जड़ है अब आप जितने मर्जी अल्फाज बनाएं उनका मतलब यही होगा उसने काम किया फ़ाइला और इसके ऊपर आपको जितने भी लफ्ज़ बनेंगे उनका यही मतलब होगा कि उसने किया यानी अगर रहम आएगा या इल्म आएगा या जो कुछ आएगा उसका यही मतलब होगा दूसरा हमारे पास है जैसे एक और वज़न है फाइलन, जैसे उर्दू में भी कहते हैं हम फाइल काम करने वाला अब यहाँ पर इसका वज़न आप देख लें कि पहले ज़बर है उसके बाद अलिफ है और उसके बाद ज़ेर है और उसके बाद दो पेश हैं इसी वजन के ऊपर आप रहम रहम को देख लें रोहिमन यही बन रहा है ना तो इसका मतलब क्या होगा वो ही होगा जो फाइल उनका है यानी फाइल फेल कहते हैं काम को तो यहां पर रहम है तो क्या कहेंगे हम रहम करने वाला ये देखिए रहम करने वाला इसी तरह से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको आस्ता से आप इन शजीज आपको समझ आती जाएगी कि जैसे जैसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते जाएंगे आप उनके मानु, मान मानी देखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी मफूल जिस पर काम किया जाए या जिस पर काम किया गया उसे हम मफूल उर्दू में भी कहते हैं तो यहाँ पर आप अब इसको इसी वज़न पर देखें पहले मीम लगा है और उसके बाद जो है ये फूल है तो यहां पर अगर रहम है तो क्या बनेगा मरहूम अब इसका क्या मतलब है अक्सर मैं अगले दिन एक दोस्त के साथ था, वो कहता मरहूम तो मुर्दा को कहते हैं मुर्दा को नहीं कहते जिस पर रहम किया गया ये पैसे बायस है <coughs> मरहूम जिस पर रहम किया गया तो मफहुल इस, इस वजन के ऊपर मरहूम मगफूर ठीक है जिस पर जिसकी मगफरत की गई तो इस वज़न पर जितने भी अल्फाज होंगे उनका मतलब सेम होगा आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो वर्ड था रहमान ये तो हम पढ़ने के लिए थे जो है इसको डिस्कस किया था अब जो वर्ड हमारे पास आया है रहमान उसको देखते हैं रहमान दो वज़नों के ऊपर फोलान और फालान के वज़न पर है <coughs> फोलान फोलान के वज़न पर जो उर्दू के अल्फाज हैं वो ये हैं तूफ़ान और तगियान अब आप तूफ़ान की क्या जो है ए, उसकी डेफिनेशन करते हैं जब हवा आम रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ हो और रास्ते की रुकावटें तोड़कर अपनी कुत से जो है आ जाए जो हवा आंधी या तूफ़ान से कहते हैं हम तुयानी भी यही होती है कि पानी जब जो है बाहर निकल निकल कर आए और अपने जो नदी नाले हैं उनको उन आगे से सारे रुकावटें तोड़ कर आए तो हम क्या कहते हैं तुगयानी आ गई है तुयान आ गया है इसी तरह से जो है फालान फालान के वजन पर उर्दू के अल्फाज हैं ये आप ये मत समझिएगा कि ये हम सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ रहे हैं रहमान इस वजन पर जितने अल्फाज होंगे उनका यही सेम मतलब होगा ये आप मान लीजिएगा आपको पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे ये सिर्फ हम इस वजन को समझ रहे हैं पूरे कुरान में जब तक जहाँ तक ये वजन आएगा उसका यही एक मतलब होगा गजबान का क्या मतलब है कि नाराजगी में जब जोश वक़ुत हो और इंसान शराफत की हदूद तोड़कर दूसरों को गालियाँ दे और मारपीट पर उतर आए तो कहते हैं कि फलां बड़ा गज़बान है इसी तरह फैज़ान ये भी फ़ालान के वजन पर उर्दू के अफाज हैं जब कहीं से फ़ायदा मिले तो कहते हैं कि फ़लाँ से फैज़ पाया मगर फैज देने वाला हर वक़्त फैज़ करे और हर कसो व नाकस में फैज़ बाँटे तो कहते हैं कि फ़लाँ का फैज़ान जारी है यहाँ पर क्या चीज़ें मुश्तरक हैं जोश कुत वल वला ज़ोर अपनी हदों से बाहर निकल आना रास्ते के रुकावटों को तोड़ना ये हमारे उर्दू के लफ्स हैं हम अब फ़लान और फ़लान के वज़न पर जितने भी कुरान मजीद में अल्फाज आएंगे उनका यही मतलब होगा आइए अब हम रहमान की तरफ जाते हैं रहमान फ़ालान के वज़न पर है अब देखिए इसका मतलब क्या है असल मतलब हमें तो पढ़ाया जाता है रहम करने वाला लेकिन असल मतलब इसका क्या बनता है यही बनता है कि ऐसा रहम करने वाला जिसका रहम जोश कुत और वलवला से आता है और जिसका रहम हदों से निकल निकल कर आता है और रास्ते की तमाम रुकावटों को तोड़ तोड़ कर आता है यानी यह एक जोश की सी कैफियत रहमान फ़ला तजरेबूल लई सा का ही शयन अल्लाह के लिए कोई मिसालें नहीं बयान की जा सकती उसकी रहम की कोई मिसाल नहीं है लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर जो माना इस्तेमाल होता है इस वज़न के को जो है हम इस तरह से बयान करते हैं इस वज़न पर जितने भी अल्फाज होंगे उनका यही मतलब होगा रहमान और रहीम दोनों कलमात जो है वो उर्दू के अंदर मुश्तमिल हैं जो कलमा रहम से बने हैं ये देखिए ये मुशतरकफ़ाज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं अब हमारे पास आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये तो हम समझ गए अब अर रहीम आ गया है हमारे पास अलफलाम वही है मार्फा बनाने के लिए लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ग़ौर से आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपने ग़ौर से सुनना है इन लेक्चर्स को अगर आपके पास कापी पेंसिल हो तो आप ज़रूर उठा के इन चीज़ों को जो है आपने वीडियो दोबारा से प्ले करके और दोबारा से आप उसको नोट करते जाएं चीज़ें अपने एक डायरी वगैरह के अंदर तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी का मूजब होगा बाकी आप अगर हमें कहेंगे तो हम आपको सारी स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर देंगे चलें रहीम ये रहम रहम से बना है रहम उर्दू का लफ्ज़ है और ये रहम हमने पढ़ा था उसने रहम किया उसके बाद एक और वज़न है यानी ये फ़ाइला के वज़न पे था उसके बाद एक और वज़न है फ़ैल फ़ैल का क्या मतलब है यार जिस तरह से हमने पहले इसे फ़ाइला के वज़न पर पढ़ा था रहम को अब फ़ैल के वज़न पर पढ़ते हैं आइए देखते हैं रहीम फ़ैल के वज़न पर है अब फ़ैल के वजन पर जितने अल्फाज आएंगे उनका यही मतलब होगा जो हम आपको बताने वाले हैं अब अलीम है अलीम का मतलब है जिसका इल्म अजल से अब्दाअब्द हो और जिसका इल्म उसकी ज़ात की वजह से हो यानी दवाम भी हो उसको और उसकी ज़ात की वजह से हो किसी से उधार लिया हुआ ना हो उसे हम क्या कहते हैं अलीम अब इस वजन पर जितने अलफा होंगे उनके अंदर ये चीज़ बहुत मुश्तरक होगी कि अब्दा अबद भी हो और उसकी ज़ात की वजह से भी हो आइए देखते हैं अजीम जिसकी अजमत अजल से अबदा अब्द हो और जिसकी अजमत उसकी जात की वजह से हो इसी तरह से रहीम का मतलब भी जो है यही निकलता है ऐसा रहम करने वाला जिसका रहम अजल से अबदा अब्द हो और जिसका रहम उसकी अपनी ज़ात की वजह से हो तो इसे हम कहते हैं रहीम यानी ये जो कदर मुश्तरक के अंदर अल्फाज हैं ये सिर्फ़ ये ये आप मत समझिएगा मैं बार बार कह रहा हूँ कि शायद आपके जहन में हो कि सिर्फ़ रहीम को समझने के लिए हमने इतना बड़ा जो है रिस्क ले लिया है इस तरह से नहीं है ये जितने भी अल्फाज आएंगे इस वज़न के ऊपर उनका मतलब के अंदर उनके मतलब के अंदर ये चीज़ें कामन होगी यानी हमेशगी होगी दवा होगा अजल अब होगा सिफ़त ज़ाती हो किसी और की वजह से ना हो तो ये हमारा था बसमिल्लर रहीम अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है तो यहाँ पर आप उर्दू के अल्फाज देखें बा भी उर्दू का लफ्ज़ है इसम भी उर्दू का लफ्ज़ है अल्लाह भी उर्दू का लफ्ज़ है अलिफ लाम को छोड़ दें रहमान भी उर्दू का लफ्ज़ है और रहीम भी उर्दू का लफ्ज़ है अलिफ लाम को छोड़ कर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ़ अलिफ लाम ही ऐसा लफ्ज है जो कि अरबिक का है और बाकी सारे का सारा उर्दू है आपके आरा का इंतज़ार ज़रूर रहेगा इन शजीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो आपको आ, मेरे समझाने के अंदाज़ में कोई एतराज़ हो या कोई जो है आ, कोई बंदा भी असलाह करना चाहे कोई तो ज़रूर मोस्ट वेलकम हर टाइम और कमेंट्स के अंदर आपने ज़रूर अपनी आरा का इजहार करना है अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो व आखिर अनिलहमदल रबालमी